दोस्तों हाथी, दोस्तों हाथी देखिए सामने हाथी आ रहा है, टस्कर है, बहुत बड़ा टस्कर है। ये नहर से निकल के आया है और बहुत बड़ा टस्कर है। अब इसके बगल से क्रॉस करना भी ठीक नहीं, अगर ये अंदर जा रहा है तो निकल जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा और ये वापस आने के मूड में लगता है, अगर चार्ज भी कर सकता है मेरे ऊपर। ये वापस आने इधर ही देख रहा है, देखता हूँ क्या कर रहा है। अगर तो ये आएगा इधर को तो मुझे बैक करनी पड़ेगी। दोस्तों जंगल में एंटर कर गया हूँ फिर, और हर मोड़ पे संभल के देख रहा हूँ हाथी ना हो। अभी कल ही केस हुआ है पटना वाटरफॉल गरुण चट्टी या वो जो नीलकंठ वाली रोड है उस पे हाथी ने एक आदमी को मार दिया है, और मेरे पास वो वीडियो आया है पूरा। उसमें दुकानें गाड़ी तोड़ी है, आदमी को पटक के सड़क के ऊपर मारा है। पहले मुझे लगा था कि वाटरफॉल के पास में जंगल में मारा है, जंगल में नहीं मारा, सड़क पे ही मारा है, और पूरा जिस जगह पटका वहां ब्लडी ब्लड है। और उसके बाद वो उछल गया आदमी, थोड़ा दूर गिरा। यहाँ पे सीधी रोड आ गई है तो यहाँ पे खतरा थोड़ा कम है। जहाँ कर्व्स होते हैं ना वहाँ खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस टाइम पे बाइकर्स भी आ रहे हैं, कई बार बाइकर्स को एडवांटेज होता है। वैसे हम सोचते हैं खतरा, देखिए टाइगर झपटेगा तो खतरा है बाइकर्स को, हाथी के लिए क्योंकि हाथी झपटते नहीं है, खड़े होते हैं सड़क पे, और कार वाला कार को उतनी जल्दी घुमा नहीं पाता। बाइकर के पास घुमाने का चांस होता है अगर वो हिम्मत नहीं छोड़े, घबराए नहीं, तो घबरा जाएगा तो गिर पड़ेगा। जैसे हमारा मैनेजर होता था लकी, उसके सामने लेपर्ड आ गया एकदम से, वो घबरा के वहीं बाइक गिरा दी उसने। लेपर्ड शरीफ आदमी था, कुछ नहीं किया उसने, और वो भी बड़ा वाला लेपर्ड था। एक बार मुझे भी बहुत बड़ा लेपर्ड क्रॉस किया था, मैं स्कॉर्पियो जा रहा था, जितनी देर में देखता देखता कैमरा निकालता इधर से उधर गया, और मैं काफी देर तक सोचता रहा था यार कि ये लेपर्ड था कि टाइगर था। ये देखिए ये है स्पॉटेड टियर नहीं है ये, या तो स्किन डिजीज है, वरना हॉक डियर तो यहाँ होता नहीं है, हॉक डियर तो ढिकाला में होता है। मुझे लगता है इसको बीमारी हो गई स्किन में कुछ। दोस्तों हाथी देखिए सामने हाथी आ रहा है, टस्कर है, बहुत बड़ा टस्कर है। ये नहर से निकल के आया है और बहुत बड़ा टस्कर है। अब इसके बगल से क्रॉस करना भी ठीक नहीं, अगर ये अंदर जा रहा है तो निकल जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा, और ये वापस आने के मूड में लगता है, अगर चार्ज भी कर सकता है मेरे ऊपर। ये वापस आने इधर ही देख रहा है, देखता हूँ क्या कर रहा है। अगर तो ये आएगा इधर को तो मुझे बैक करनी पड़ेगी फौरन। जा रहा है क्योंकि यहां सकरा बहुत है ना, सिंगल टस्कर है, बड़ा खतरनाक होता। दोस्तों जिसको नहीं मिलने की उम्मीद थी वही मिल गया है, सामने जा रहा है। एक बार तो उसे पलट के मेरी तरफ आने की सोच रहा था।
अभी मैंने जूम कर दिया है, अभी नहर के पास ही है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बीम तो है, रोड ही रोड पे है एकदम। देखिए मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि एकदम सड़क के कलर से मिल जाता है, अभी भी इसका फेस मेरी तरफ है, और अगर ये चार्ज करेगा तो मुझे एकदम तेजी से भागना पड़ेगा। गाड़ी में बैक नहीं लेना चाहता क्योंकि हॉर्न बजेगा उसमें, मुझसे 20-30 मीटर की दूरी पर सामने खड़ा है, पीछे भी एक गाड़ी आ रही थी, वो ना आ जाए कहीं। इसके दिमाग में चल क्या रहा है, आगे जा रहा है कि किधर आ रहा है भाई? बीम थोड़ी सी उठाऊं, आगे जा रहा है, मेरी तरफ नहीं आ रहा है। ये मैंने बीम उठाई थोड़ी सी, अब दिक्कत ये है कि जब तक ये थोड़ी देर तक चला नहीं जाएगा मैं जा नहीं सकता। अभी भी रोड के ऊपर ही है, मतलब ये नहर को भी पार कर लेते हैं, ये तो मुझे आज ही मालूम चला, नहर से निकल के आया है, तो कहीं आजू बाजू दूसरा तो नहीं आ रहा है। अभी भी रोड के ऊपर ही है, हट देखी अभी भी रोड के ऊपर है। थोड़ी सी गाड़ी बढ़ाऊं क्या आगे? अभी भी रोड के ऊपर ही है। अगर ये अंदर चला गया फिर तो मैं निकाल दूंगा तेजी के साथ, क्योंकि अगर ये बगल में रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं झाड़ी में ना छुप गया हो, मुझे तो लग रहा है रोड पे है अभी। शायद रोड पे ही है, एक गाड़ी पीछे आ रही थी वो भी नहीं आई, वो मिली तो थी जिसको मैंने ओवरटेक किया, वो कहाँ चली गई? मुझे लग रहा है रोड पे ही खड़ा है और सूंड इधर निकाल के खड़ा है, क्योंकि जो लाइट्स दिख रही है ना, हाँ है दिख रहा है, उसे कान दिख रहे हैं भाई साहब, ये तैयारी में है चार्ज करने के, इसके कान वो दिखते रहे। मैं गियर न्यूट्रल कर दूं, वो आवाज आई, और भी हाथी आ रहे लगता है। थोड़ी गाड़ी बैक करूं क्या? लगता है नहर क्रॉस करके और आ रहे हैं, छपाक छपाक की आवाज आ रही है। लग रहा चला गया कि है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बढ़ाऊं गाड़ी का? हाँ उस साइड तो पक्का है, टूटने के बाद आ रही लकड़ी।
ये अंदर नहीं गया है। हाँ इधर तो है पक्का है। अब वो नहर के अंदर है क्या, मुझे दिख नहीं रहा है पक्का। नहर के दूसरी तरफ हाथी और हैं। पीछे लौटूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ये पैच निकल, एक गाड़ी आ रही है सामने से, अभी पता चल जाएगा, अलर्ट रहता हूँ। सामने से गाड़ी आ रही है, हाथी बीच में ही है, अभी पता चल जाएगा। इधर से बहुत आहटें आ रही हैं दोस्तों, लग रहा है कि नहर को और हाथी क्रॉस कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि गाड़ी की लाइट में मुझे पता नहीं चल, हाँ नहीं, अगर हाथी सड़क पे आएगा तो मुझे दिख जाएगा। गाड़ी निकल आई, लगता हाथी हट गया है वहां से। इसको रोकता हूँ गाड़ी को, ये तो तेजी से निकल गया। इसको लगता है हाथी के बगल से निकला ना, डर गया ये। मैंने रोका तो भी नहीं रुका, इसको सडनली लगता है हाथी दिखा है। क्या करूं भाई, समझ नहीं आ रहा। जय बजरंगबली। मैं रुका तो भी नहीं रुका। हमें बहुत तेजी से नहीं चल रहा कि एकदम से निकल के सामने आ जाएगा, ब्रेक नहीं मार पाऊंगा। था वो यहीं कहीं पे, अब तेजी से निकाल दूं, दौड़ा दूं, और दौड़ाता हूं। जय बालाजी। जय बजरंगबली। यहीं था वो, ये हाथी की लीक पड़ी है। खतरा टल गया, लेकिन मैं पूरा अलर्ट हूं, एकदम आगे झुका हुआ हूं ताकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड का दिखे। मैं विंडो बंद कर देता हूं। बड़ी खतरनाक पोजीशन बन गई थी दोस्तों। टस्कर, जिससे मैं हमेशा डरता हूं, वो आ गया था सामने, एकदम से नहर के निकल के। और दूसरी बात, हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज और नहर में छपाक छपाक आवाज आ रही थी। डर यह था कि किसी वक्त मेरे पीछे और हाथी निकल सकते थे। कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है हाथी टस्कर, उसके दांत भी आ गए होंगे पक्का, मैंने उसके क्लियर दांत देखे। अब मुझे लगता है वो पीछे छूट गया, इतना आगे नहीं आया होगा। मैं तेज गाड़ी चला देता हूँ, ज्यादा तेज भी ठीक नहीं है, फिर एकदम से ब्रेक नहीं लगेंगे। अभी कम से कम रिवर्स करने लायक तो रहूंगा। प्रॉब्लम एक थी ना, एक साइड नहर थी, एक साइड जंगल, गाड़ी बैक करने की जगह ही नहीं थी। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ जान के कि हाथी नहर से भी निकल आ रहे हैं, क्योंकि एकदम खड़ी इसकी चढ़ाई उतराई है। तो मैं सोचता था कि वो इससे नहीं निकलते, इसीलिए क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया था, दो तीन पुल बनाए गए थे हाथियों को क्रॉस करने के लिए। और टस्कर बड़ा खतरनाक होता दोस्तों। कल ही एक आदमी को मारा है टस्कर का, ये पीरियड चल रहा है मस्त पीरियड, दिमाग पागल। और एक बार इसने मेरी तरफ सिर घुमाया था, कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ होगा, काला दिख रहा था, लेकिन मेरी तरफ मुंह किया, दांत भी साफ दिख रहे थे। मैं पूरा अलर्ट था कि गाड़ी रिवर्स में मेरे को दौड़ा देनी थी। हाथी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है, लेकिन केवल 30 सेकंड के लिए, तो मुझे केवल 30 सेकंड के लिए उससे दूर जाना था, फिर मैं सेफ था। मैंने इसीलिए गाड़ी बैक नहीं करी, क्योंकि रिवर्स हॉर्न जो है ना, अब मुझे इसका सिस्टम बनवाना पड़ेगा। आजकल इतना ज्यादा नाइट में ट्रेवल कर रहा हूं, इनको अलर्ट कर दूं। भैया संभल के जाना, सड़क पे ही टस्कर है, सड़क पे ही दांत वाला हाथी है, इसी पे झाड़ियों में खड़ा हुआ है, अलर्ट रहना। अच्छा, और आप भैया कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने रिजॉर्ट जा रहा हूँ, मेरा जंगल के अंदर रिजॉर्ट है।
घंटा हो गया। हाँ मैं काफी देर आधे घंटे खड़ा रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्ड भी हुआ, कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है वो। पुल के आसपास है क्या? अरे ये भाई साहब यही पे 100 मीटर आगे है, मेरे सामने नहर से निकल के आया है वो, रोड पे आ गया। रोड पे ये क्या? इसी रोड, मतलब अभी तो अंदर आ तब मैं गया, निकला हूँ। मतलब जाना तो अलर्ट, राइट हैंड पे निगाह रखना आप, राइट हैंड झाड़ियों पे, ठीक है? थैंक यू भैया। और थोड़ा बहुत तेज मत चलना कि ब्रेक मार सको बैक करने लायक। नहीं नहीं भैया, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। डर रहे थे लेकिन बताना फर्ज है, क्योंकि दोस्तों मैं तो हैबिचुअल हूँ, मैं भी देखो घबरा गया पूरी तरह से, लेकिन वो कहीं सडनली कुछ गड़बड़ ना कर देते। तो उनको मैंने समझा दिया है कि जाना ऐसे ऐसे, बहुत तेज मत चलना, ब्रेक मारना, रिवर्स हो जाना। बोले पुल के पास है, मैंने पुल के पास नहीं, यही 100-150 मीटर पीछे ही है। लेकिन दोस्तों आज एक खतरनाक सीन हुआ, मतलब ऐसा सीन कि जहां से आपको उम्मीद ना हो। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी ना फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, कि टाइगर सडनली वहां से आ गया जहां से उनको उम्मीद नहीं थी। वो अलर्ट थे फॉरेस्ट वाले कि टाइगर आने वाला है, क्योंकि कॉल हो रही थी, माहौल बन रहा था। जहां से उम्मीद नहीं कर रहे थे वहां से निकल के आया। मेरा भी यही हुआ, मैंने कल्पना नहीं की थी कभी कि नहर में से हाथी निकल के आएगा, कभी नहीं देखा मैंने, पहली बार देखा। हाथी तैरते बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, नदी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन ये नहर खड़ी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है नीचे उतरने में और वहां से भी। तो एक बार नीचे उतरना है, फिर तैरना है, फिर उसके बाद फिर चढ़ना है, काफी टफ काम है। इनको भी अलर्ट करूं, थोड़ी दबाना दबाना। भैया ऐसा है ना, हाथी है सामने, करीब 300 मीटर दूर है, रोड पे था, नहर से निकल के आया है। अच्छा। तो अभी आप राइट को निगाह रखना झाड़ियों की तरफ, ठीक है? हाँ इधर हो गया, तो अलर्ट रहना, बहुत तेज मत चलाना। अगर ब्रेक मार, अगर आ जाए तो बैक कर लेना, फिर नहीं तो ध्यान से निकल जाना। हाँ जी, आपका जाओगे? मेरा तो रिजॉर्ट है, अंदर जंगल में जाऊंगा अभी 10 किलो। हाँ बैराज, या बैराज के ऊपर? हाँ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद निकल के आधे घंटे में खड़ा था, हाथी मेरी तरफ मुंह घुमा के खड़ा था। अच्छा। लेकिन अंदर चला गया, एक गाड़ी और गई, उनको भी मैंने समझाया। अच्छा। क्योंकि आपको आदत नहीं है ना, इसलिए सावधान होकर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बता दिया, ये हरियाणा से थे, बोले भाई साहब आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं तो जंगल जा रहा हूँ। बोले हमें बैराज पे जाना था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना भाई, क्योंकि जिनको आदत नहीं होती ना वो फिर हड़बड़ा जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, कहीं कुछ करते। वो जब उसने मेरी तरफ मुंह घुमा लिया था, तो उसने चार्ज करने वाली वो भाव भंगिमा नहीं बनाई थी, जो कान पीछे करना, पैर मोड़ना, जो कि मुझे आइडिया है वो बनाता, तो मैंने तो गाड़ी बैक कर देनी थी एकदम से। लेकिन वो 2-3 मिनट तक खड़ा रहा मेरी तरफ मुंह करके, कुछ तो सोच रहा था। ऐसी कंडीशन में अगर मैं बैक करता, एक तो मैं अभी ना दिल्ली जाके सबसे पहले तो अपना जो रिवर्स हॉर्न है इसका बटन लगवाऊंगा, कि जब चाहे मैं उसको बंद कर सकूं, या कहीं भी आ सकता है हाथी। चमक रही दोस्तों राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में शायद सांभर ही होगा, ये देखिए, या तो स्पॉटेड डियर है या सांभर है। ये जगह है जहां से अभी सांभर घुसा है ना, ये जगह एलिफेंट क्रॉसिंग है। पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, मैंने बोला था बताऊंगा, फिर दिमाग से उतर गया।
इस वीडियो में दिखा दिया, ये जगह थी एलिफेंट क्रॉसिंग, अभी भी खतरा टला नहीं है। खतरा टलने का मतलब क्या है कि झाड़ियों में दिखता नहीं ना एकदम से, अगर आ जाए चार्ज कर दे, और जब ड्राई रिवर आ जाती है तो फिर दिख जाता है। अब जैसे नहर थी तो चढ़ता हुआ मुझे दिख गया बिल्कुल, जब तक मैंने ब्रेक मारे एकदम सामने आ गया था। डिस्टेंस था मुश्किल से 10 या 20 मीटर। मैं रुक गया, गाड़ी बैक नहीं की क्योंकि मुझे पता था बैक हॉर्न बजेगा, और वो खड़ा रहा। पहले उसने उल्टी साइड को मुंह घुमाया, फिर उसने मेरी तरफ मुंह कर लिया। मैं पूरा उसके कान और पूरे पैर ही देख रहा था। गाड़ी रिवर्स गियर में लगाने के लिए हाथ था मेरा लेफ्ट हैंड, मैंने फुल एक्सीलेटर पर गाड़ी दौड़ा दे रही थी सीधी, लेकिन मैं देख रहा था चार्ज करता, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे केवल 30 सेकंड या 1 मिनट तक गाड़ी दौड़ानी है, फिर वो भाग नहीं पाएगा मेरे पीछे। भागता तो मैंने गाड़ी रोक के उसी की तरफ दौड़ा देनी थी, उस सामने हॉर्न बजा के जोर से। लेकिन जो भी था, हाथी ने मुझे बजरंग बली याद दिला दी है। मतलब जिस चीज से आप डरते हो, एक ही चीज से मैं डरता हूँ इस रात को गाड़ी ड्राइव करने में, हाथियों के झुंड से भी नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि वो मॉक चार्ज करेंगे। जो खतरनाक होता है टस्कर होता है, सिंगल मेल बड़ा खतरनाक होता है। वही मिला, दांतों वाला मिला, और कल ही एक हाथी ने एक आदमी को मारा है। बड़ा ही डरावना सीन बन गया था। चलो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, गाड़ी बैक नहीं करी मैंने उस वक्त। अगर बैक करता तो सीन बिगड़ सकता था, क्योंकि वो जब मेरी तरफ मुंह करके खड़ा था, अगर मैं बैक करता तो वो चार्ज करता, वो सोचता है कि बंदा डर के भाग रहा है। तो उस वक्त तक मुझे पता है जो हाथी मुझसे 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भाग सकता है, सिर्फ 20 मीटर है, और मुझे रिवर्स में जाना है। और पीछे का, क्योंकि गाड़ी लंबी चल के आई है कॉर्बेट से, तो गाड़ी के पीछे के ग्लास में धूल मिट्टी भी है, लेकिन वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैंने पीछे देख के गाड़ी नहीं चलानी थी, रोड सीधी थी, मैंने सामने देख के ही चलानी थी। सामने से अंदाजा लग जाता क्योंकि उससे हाथी पर भी निगाह रहती और गाड़ी भी सीधी जाती। लेकिन दोस्तों एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मैं विद फैमिली मोतीचूर जो एरिया था, तब एसयूवी से जाना अलाउड था जो सफारी रेंज है। तो मैं पहले स्कॉर्पियो से चिल्ला सफारी और मोतीचूर सफारी किया करता था, तो उस बार फैमिली साथ आई थी, बच्चे थे, वाइफ थी। मैं गया अंदर जंगल के अंदर, जाके एक फॉरेस्ट गार्ड दूर से हाथ हिला रहा था। फिर जब मैं पहुंचा तो बोला, हाथी तो नहीं मिला आपको? अरे नहीं मिला। बोला डेढ़ दांत वाला हाथी गया, वो सद्दाम जो है ना, वो लोगों को मारता था, उसने एक औरत भी मारी थी उस टाइम पे। बोला अभी भी गया है और अचानक से छुप के हमला करता है गाड़ियों। अरे मैंने कहा यार भाई साहब क्या बात कर रहे हो, फैमिली साथ है। वहां 2 गनर थे जंगल में, मजदूर काम कर रहे थे, घास वगैरह काट रहे थे। मैंने कहा यार मेरे को छोड़ के आओ बाहर तक, तो बात समझ में आई, वो गाड़ी में बैठा, फिर आया, मिला नहीं हाथी। आज भी मैं दोस्तों वहां खड़ा रहा जब वो मेरी तरफ मुंह करके खड़ा था, क्योंकि मैं अकेला था। अगर फैमिली और बच्चे होते ना तो फिर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त आदमी कमजोर हो जाता है। अच्छा एक बार नहीं, मैंने आपको बोला ना कि मुझे पहली बार रास्ता रोका, एक बार मेरा रास्ता टस्कर ने रोका था, लेकिन मैं अकेला नहीं था, स्कॉर्पियो में 4-5 लोग थे, एक बुलेरो थी हमारे पास, एक गाड़ी और थी, 3 गाड़ी थी, और वो कपल था, टस्कर था और हाथनी जो है अंधेरे में से बोल रही थी, लेकिन वो नहर का रास्ता नहीं था, गाड़ी बैक करने की जगह थी, और एक गाड़ी तो बैक खड़ी ही थी। तो विक्की भदौरिया भाई साहब थे, वो बहुत डरते हैं, वो बोले अरे पंडित जी चलो, अरे पंडित जी चलो यहाँ से निकलो, पंडित जी गाड़ी बढ़ाओ, पंडित जी गाड़ी बढ़ाओ, और मुझे लिटरली एक तरह से मार रहे थे, वो कंधे में हाथ जो मार रहे थे। अरे मैंने कहा भाई साहब रुक जाओ यार आप, मैंने कहा पीछे में हाथी बोल रहा है, और कितने हाथी खड़े हैं अंधेरे में पता थोड़ी ना, डिसीजन लेने तो पहले सोच समझ के। और वो इतना डरे हैं। उसके बाद फिर एक जो बोलेरो आगे थी वो हमारे साथ, मतलब चली थी लेकिन वो हमारी नहीं थी, वो किसी और की थी, और एक दूसरी बोलेरो हमारी थी, उसमें हमारा
प्लम्बिंग का सामान, टंकी वंकी पाइप वाइप लोडेड है रिजॉर्ट के, उसने तेजी से निकाली। और एक गाड़ी जो बैक खड़ी थी वो, तो मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, मैंने उसके पीछे तेजी से निकाली, और वो जो बैक पोजीशन में खड़ी थी वो हमारी बुलेरो जिसमें सामान था उसने भी निकाली। मैंने हाथ ही निकाली, तेजी से भगाई, पौधे लोडेड थे और गाड़ी का शॉकर, स्कॉर्पियो का शॉकर लीक कर गया था उस टाइम, मुझे याद है 16,000 लगे थे। मैंने बोला था यार ये हाथी मुझे 16,000 का पड़ा। चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो को, आ गया मैं अपने रिजॉर्ट के पास। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।